खेल संग्राम में आपका स्वागत है। प्रो रेसलिंग लीग सीजन 2 के 7वें दिन साक्षी मलिक की शानदार जीत के बाद भी कलर्स दिल्ली सुल्तान्स को एनसीआर पंजाब रॉयल्स ने 5-2 से हराया। पंजाब ने अच्छी शुरुआत करते हुए लगातार 3 बाउट जीते। सबसे पहले पुरुषों के 57 किलो की कैटेगरी में ओलंपिक चैंपियन व्लादिमीर ने दिल्ली के पंकज को 8-1 से पटखनी दी। इसके बाद पुरुषों के 74 किलो की कैटेगरी में पंजाब के जितेंद्र ने दिल्ली के प्रवीण राणा को कड़े मुकाबले में 5-4 से हरा अपनी टीम को 2-0 की बढ़त दिलाई। वहीं महिलाओं के 53 किलो की कैटेगरी में पंजाब की ओडू नायो ने दिल्ली की संगीता फोगाट को एक तरफा मुकाबले में 5-0 से मात दी। इसके बाद पुरुषों के 57 किलो की कैटेगरी में दिल्ली के काद्यान ने पंजाब के कृष्ण कुमार को 14-4 से हरा अपनी टीम को पहला अंक दिलाया। दिल्ली की कप्तान साक्षी मलिक ने महिलाओं के 58 किलो की कैटेगरी में पंजाब की मंजू कुमारी को 10-0 से चारों खाने चित किया और अपनी टीम को दूसरा अंक दिलाया। लेकिन इसके बाद पुरुषों के 65 किलो की कैटेगरी में टोक रोल जसकरेब ने दिल्ली के सुरजीत सिंह को सिर्फ 30 सेकंड में चित कर दिल्ली को मुकाबले से बाहर किया। वहीं आखिरी और महिलाओं के 75 किलो की कैटेगरी के मुकाबले में पंजाब की पहलवान वैसलिसा ने दिल्ली की लाइना को 2-1 से हराया। इस तरह आखिरकार एनसीआर पंजाब रॉयल्स ने 5-2 से शानदार जीत दर्ज की। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए खेल संग्राम।